अस्सलाम वालेकुम हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में ख़ुशामदीद नाजरीन में आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बसानी आप तक पहुंच सके सुबह के 11 बज चुके थे मगर यासिर अपने कमरे से बाहर नहीं आया था वैसे तो उसे अपनी शादी की तैयारियों की इतनी जल्दी थी कि बस नहीं चलता था वरना सारा इंतज़ाम वो खुद करता मगर आज जब शादी के कार्ड उसे पसंद करने थे तो वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकला था सुबह नाश्ते की मेज़ पर भी वो गैर हाजिर रहा मगर घर में मौजूद किसी ने भी इसकी बात को गैर मामूली जाना मगर उसकी गैर मौजूदगी काबिल इतराज़ थी अब बैठे भूपो में बुलाकर लाती हूँ चाचू को और साथ में ये चाय चाय का कप और खर्च लिए थे नर्गिस ने तो जैसे किचन को ही अपना मस्कन बनाया हुआ था जब देखो बस किचन में ही नजर आती भी वो दोपहर के खाने का इंतजाम कर रही थी अब हया यासिर के कमरे के दरवाजे के बिल्कुल सामने थी चाचू दरवाजा खोलिए उसने दो तीन बार यासिर को आवाज दी मगर जवाब ना आया उसे कुछ तश्वीश हुई चाचू अब तक सो रहे हैं और वो भी इतनी गहरी नींद वो बड़बड़ाई आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था घर में सबसे ज्यादा कच्ची नींद यासिर की थी जो एक आहट से भी उठ बैठता था और नौ बजे के बाद सोना तो उसकी आदत के खिलाफ था जब से हया ने होश संभाला उसने कभी यासिर को सुबह देर तक सोए नहीं देखा था फिर आज कैसे उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट जन्म लेने लगी उसने दरवाजे को दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक चिड़चराहट की आवाज से दरवाजा खुद खुद खुलता चला गया यह देखकर पहले तो हया का सांस खुश्क हो गया फिर इस बात से हौसला हुआ कि अंदर यासिर है उसने एक लम्हे सोचने में जाया किया फिर अंदर कदम रखा उसकी निगाहें दरवाजे के निचले हिस्से की तरफ थी चाचू वो धीरे से बोली मगर कोई जवाब सुनाई ना दिया अब उसने बेड की तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था उसे एक झटका लगा तभी उसने नजरें वॉशरूम की तरफ घुमाई वॉशरूम का दरवाजा भी खुला था उसे हैरत हुई आखिर चाचू कहा जा सकते हैं वो बड़बड़ाई ला तौर पर उसकी निगाहें बेड से ऊपर की जानब उठी एक समाज शकन चीख उसके गले से निकली चाचू तभी उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे एक सर्द लहर उसकी नसों में खून को मुंजमद कर रही हो और एक सानिए में वे खौफ के पसीने में नहा चुकी थी उसकी आंखें यकटक बेड के ऊपर मुरतक थी सांसें भी रुक रुक कर चल रही थी उसकी दिलदोस चीख सुनकर सब यासिर के कमरे की तरफ चले आए क्या हुआ हया तुम चीही क्यों महनाज ने उसके जिसम को छुआ तो ऐसे लगा जैसे उसने सर्द रात में बर्फीली टीले को खास लगाया हो हया का पूरा जिसम सर्द हो चुका था बोलती क्यों नहीं हुआ क्या है इस पर नरगिस ने ऊंची आवाज में पूछा मगर वो एक लफ्ज भी ना बोल सकी तभी उसने हया की नजरों का ताकुब किया तो जैसे उसके उसके भी होश उड़ गए मेहनाज भी पीछे दरवाजे से जा टुकराई नरगस तो उसका अगला सांस लेना ही भूल गई फरहत ने आसिम को अपनी बाखू में इसहा दबोच लिया कि वो इस मंजर को ना देख सके ताज दीन साहिब भी बुरी तरह से बुखलाए हुए थे किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था यासिर अपने बेड पर नहीं था बल्कि बेड के ऊपर हवा में मोलिक था उसका जिसम हवा में किसी बेवज़न कागज़ की तरह आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था उसके हाथ और पाँव ऐसे लटके हुए थे जैसे जिसम में जान निकाल ली गई हो आंखें मतवातर बंद थी रूख थी भी या नहीं सब इसी कशमकश में थे जुनेद ने अचानक आगे बढ़कर यासिर को जिसम को नीचे उतारने की ग़र से हाथ लगाया फिर था कि वो खुद ब खुद नीचे बेड पर मौजूद हुआ ये देखकर एक बार फिर सबको एक झटका लगा कि उसका जिसम किसी बेवज़न की तरह आता आहिस्ता हवा में जुलता हुआ नीचे आ रहा है या फिर कोई बड़ी एहतियात के साथ उसे बेड पर रख रहा है इस बात को नजरअंदाज करके कि कहीं यासिर को चोट ना लग जाए उस पर लेटते ही सब उसकी तरफ दौड़े फरत ने उसका रफ्सार थप यासिर आंखों में वहशत के आंसू थे वो बार बार यासर की आंखों की तरफ देख रही थी सबको वहाँ देखकर वो बुरी तरह से चौंका और फिलफोर उठ बैठा अम्मी अबू भाई अब सब यहाँ उसने इस्तफामिया अंदाज में सबके चेहरों की तरफ देखा जो वैश्यत के समंदर में गोताजन थे फरत ने फिलफोर यासर को अपने गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी ठीक तो है ना मेरा बेटा उसकी पेशानी चूम उसके चेहरे पर हाथ फेरा और दोबारा सीने से लगा लिया यासिर इन सब बातों से अनजान था और इस तफामिया और तेजस बड़े अंदाज में सबको देख रहा था क्या हुआ अम्मी आप रो क्यों रही हैं? और आप सब इतनी सुबह मेरे कमरे में है तो है ना? सबकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यासिर को हकीकत से कैसे आगाह करें फरहत ताज का तो रो रो कर बुरा हाल था जबकि यासिर हसरत से सबके चेहरों को तक रहा था जो कि किसी हजा जेर असर वीरानो बेबान दिखाई दे रहे थे यासर को हकीकत मालूम हुई तो एक लम्हे के लिए खुद वो साकित रह गया उसे यकीन नहीं आया था कि ये सब कुछ सच है मगर सबका एक बात पर इक्तफा करना बहरहाल सच्चाई की तरफ ही इशारा था दूसरों लोगों की बातें एक लम्हे के लिए उसके दिलो दिमाग की दुनिया में हलचल मचाने लगी मगर एक बार फिर तस्करा अपने घर वालों से ना किया गया मुझे तो लगता है रास्ते में किसी ने मेरे बेटे को अपने जाल में फांस लिया है हमें जल्द से जल्द किसी आमिर बाबा को दिखाना चाहिए यासिर को फरहत बेगम ने बिना सोचे समझे अपनी राय कायम की वो इस वाक्य को इस हवेली से जोड़ने की बजाय उस गने जंगल से जोड़ रही थी जो कि रास्ते में पड़ता था जिसके दरमियान से गुजरकर वो इस हवेली तक पहुंचे थे कितनी बार कहा है कि रात को खुशबू लगाकर घर से बाहर नहीं निकलते मगर मजाल है मेरी बात पर तुमने कान भी दरे हो वो रोते हुए यासिर से मुखातिब थी कैसी बातें कर रही हो तुम ढोंगी आमलू पर यकीन है तुम्हें ताजदीन ने फिल्फोर फरहत ताजदीन की नफी की और जो अपनी आंखों से आपने देखा है वो आज भी हवा में लहरा रहा था और अगर कल के वो अपना जुमला मुकम्मल न कर पाई और बच्चों की तह बिलक बिलक कर रोने लगी नरगस ने आगे बढ़कर उन्हें हौसला दिया अम्मी आप फिक्र ना करें ऐसा कुछ भी नहीं है यासिन ने आगे बढ़कर उन्हें हौसला दिया मगर वो टस से मस ना हुई हालात की नज़ाकत को समझते हुए यासिन ने इस बात में गर्दन हिला दी और कहा जैसा वो चाहेंगी वैसा ही होगा अभी सब इन्हें बातों में मशगूल थे कि बाहर से हार्ड की आवाज़ आई लगता है कश्यफ और उसकी अम्मी आ गई हैं महनाज ने कहा सब लोग अपना खुलिया जल्दी से ठीक कर लो और उसकी अम्मी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि यहां कुछ हुआ है आई बात समझ में सबकी का इशारा फरहत की तरफ था मगर भला एक माँ अपने बेटे के साथ इतने बड़े वाक्य पेश आने के बाद नॉर्मल हालत में कैसे बैठ सकती थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की इतनी में दहलीज पर कशफ अली और उसकी वालिदा रजिया बेगम मौजूद हुई कश्यप अली यासर की हाल कजन भी थी दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय पाया था और अब कश्यप के वालिद की हादसाती मौत के बाद रज़िया बेगम जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहती थी यासिर ने पलटकर कर कश्यप की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया दो दिन के बाद वो इसे देख रहा था खूबसूरत और जाजपे नजर चेहरा लहराती जुल्फू की एक लिट जो अक्सर उसके चेहरे को बोसा देती रहती लबू पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट वो अक्सर यासर के सामने उबारती थी आदमी उसके लबू का मस्कन बनी हुई थी उसे देखकर यासिर सब कुछ भूल गया और खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ा रस्मी के बाद वो हॉल में जमा हो गए और फिर शादी और सफर पर गुफ्त जारी हुई एक लम्हे के लिए सब या को फरामोश कर चुके थे खुद फरहत ताज दिन भी रहमू बाबा यह सूट केस जरा उधर रखते हैं रहमू बाबा रजिया बेगम का सूट केस कमरे में ले जाने लगे तो उन्होंने रोका और सूट केस को टेबल के किनारे पर रखवाया उसे कौने के बाद अंदर से कई जोड़े बरामद हुए तमाम जोड़े शोख रंग के थे तमाम जोड़ों को बंदा देखे तो बस देखता ही रह जाए हाला आपने तो हमारी होने वाली भाभी के बड़े ही अच्छे कपड़े बनवाए हैं महनाज ने फुलझड़ी छोड़ी तो कश्यप शर्मा गई यासिर ने भी अपनी गर्दन को हल्का सा हम किया बहन इन सब की क्या जरूरत थी बला हम क्या अपनी बेटी को कपड़े बनवा कर नहीं दे सकते ताजदीन ने मामूली सा किया, तो रजिया बेगम ने बेटी का मामला कहकर बात को टाला हर जोड़ा एक से बढ़कर एक था सबके सामने इन दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका न मिला आंखों ही आंखों में इशारे होते रहे मगर लब खामोश रहे इतने में नरगस ने शाम के खाने का इंतजाम कर लिया सब डाइनिंग टेबल पर जमा हो गए सब खाने कश्यप की पसंद के थे बिरयानी रायता सलाद चप्पल कबाब और जरदा भूख पड़का देने वाली खुशबुए आंखों को भी फरहत बश रही थी यहां भी दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका ना मिला वैसे तो दोनों आमने सामने बैठे थे मगर बात करना जैसे उनके मुकद्दर में नहीं था यासिर के साथ बाएं जानब आसिम और दाए जानब जुनैद बैठे थे इसी तरह कश्यप के भी बाएं जानब हया दाएं में मसरूफ थी। एक बार यासर ने किसी बहाने से कशिफ को रायता पकड़ाने को कहा तो हया ने फौरन हुक्म की तामील की और कशिफ का आगे बढ़ा हुआ हाथ रास्ते से ही पलट यासिन ने मुंह चढ़ाकर रायता लिया तो कशिफ ने गर्दन चुकाते हुए अपनी हंसी को जब्त किया क्या हुआ कश्यप नरगस ने झुकी गर्दन देकर दरियाफ्त किया कुछ नहीं भाभी नफी में गर्दन हिलाते हुए कश्यप ने कहा यह बात तो तय है कि मैं कश्यप से यहाँ बात नहीं कर सकता वो बड़बड़ाया कुछ कहा या सिर उसकी बड़बड़ाहट जुनेद के कानों में पहुंची तो उसने झट से नफी में गर्दन हिला दी। मेरा तो डिनर हो गया मैं जरा ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूं और हाँ हया मेरा कमरा तुम्हारी और आसिम के के कमरे के बिल्कुल सामने है तो खुदा के लिए अपने कमरे की लाइट बंद करके सोया करो सीधा मेरे कमरे में आती है उसने बातों ही बातों में कश्यप को अपने कमरे की लोकेशन समझा दी लेकिन चाचू मैं तो लाइट ऑफ करके सोती हूँ और फिर दरवाजा भी कल रात बंद था फिर भला आपके कमरे में लाइट कैसे आई हया ने मासूमियत के साथ कहा तो कश्यप अपनी हंसी पर काबू न रख सकी और गर्दन झुकाकर जरा हंस दी अच्छा तो आज बंद रखना यासर किस बात पर सबके चेहरे पर एक कसक उभर आई बेटा जी हमें सब मालूम है आहिस्ता से उसकी पुश्त को थपथपाया तो उसने मसनू गुस्से में कुर्सी को पीछे खिसकाया और पाऊ पटहता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया जीने पर वो खुद अपनी बेवकूफी पर हंस रहा था मगर चूंकि उसका चेहरा दूसरी तरफ था लिहाजा कोई भी उसके चेहरे को नहीं देख सका कमरे में पहुंचने के बाद भी उसकी बेचैनी खत्म ना हुई वो टहलता जाता और साथ साथ दरवाजे की तरफ देखता जाता उसे बेचैनी के साथ कश्यप का इंतजार था था दरवाजे 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 से खेड़की और खेड़की से खिड़की खिड़की और तक वो चक्कर लगा चुका था। पर पहुंचने के बाद वो एक नजर बाहर देखता और फिर वापस गर्दन झटकते हुए अंदर आ जाता वो उसी बेचैनी में था कि उसे कदमों की चाप सुनाई दी तो उसके दिल को कुछ सुकून मिला उसका चेहरा खिड़की की तरफ था और पुष्प दरवाजे की तरफ जनाब को अब वक्त मिला जामे दीदार के लिए जैसे ही उसे अपने पुष्प एक लम्स का एहसास हुआ तो वो बिना पलटे बोला तुम्हें मालूम भी है मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा हाल में तो सब अगटे थे वहां तो बात नहीं की जा सकती थी अब बंदा किसी बहाने से वहां से उठ ही जाए मगर नहीं तुम्हें क्या तुम तो सबके साथ वहीं बैठ कर रहना चाहती थी मैंने इतनी बार तुम्हें उठने को कहा मगर तुम थी के टस से मस्तक ना हुई उसने अपनी हकी का इजहार किया मगर कश्यप की तरफ से कुछ ना कहा गया वो उसकी पुष्ट पर अपना लगाए, उसकी हिद्दत को अपने खातू को उसके बाहों से गुजार कर सीने पर रख दिए अब ये रोमांस करने से मेरा गुस्सा कम होने वाला नहीं है समझी तुम पहले तुमने इतना इंतजार करवाया अब तुम मेरा इंतजार करो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी वो कहता जा रहा था और वो खामोशी से उसके शीरी अल्फाज अपनी समात में उतारती जा रही थी छोड़ो मुझे मैंने कोई बात नहीं करनी तुमसे। उसने कहा और उसके हाथों को अपने सीने से हटाने की कोशिश की मगर वो तो जैसे फौलाद के थे एक इंच भी ना हिले मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे अकेला छोड़ दो उसने बेनियाजी से मुंह बनाते हुए कहा मगर वो वजूद अलहदा ना हुआ तब उसे कुछ अजीब सा लगा उसने पलटना चाहा मगर पलटा ना गया ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी जगह पर एक मूरत हो पाऊ की उंगली से सर के बालों तक जिसम के पोर में भी हरकत ना थी एक सर्द लहर उसके जिसम में सुरायत कर गई कश्यप उसने इस्तफामिया अंदाज में कहा शहीर हम हैं शहर बानो ये अल्फाज लबू को उसके कानों के पास ले जाकर कहे गए थे एक बारीक सी पुरकैफ़ आवाज जो हर लम्हे उसके जिसम में उतरती जाती और उसकी नसों में खून को मुंजमद करती जाती एक अजीब सी वहशत उसके वजूद को अपने हिसार में लेने लगी तभी अचानक दरवाजा खुला तो फिलफुर पलटा दरवाजे के उस पार कशफ खड़ी थी सॉरी यासिर, मुझे आने में देर हो गई वो सब घर वाले जमा थे कोई आने ही नहीं दे रहा था उसने उजलत के साथ कहा मगर यासिर का चेहरा तो कुछ और ही पूछ रहा था उसके चेहरे के रंग फक हो चुके थे आंखें यक तक कश्यप को देख रही थी सर नजरों से टटोलने के बाद उसकी सांसें जैसे खमदार झाड़ी में अटकती हुई महसूस हुई जिंदगी में पहली बार पेश आने वाले उस पुर इस वाक्य से वो बुरी तरह से दहशत का शिकार हुआ था आंखों के आगे अंधेरा छा गया कानों में वो पुरकैफ आवाज ऐसे गूंजने लगी जैसे कोई सदियों से उसका विद कर रहा हो शहीर, ये हम हैं आपकी शहर बानो गूंज ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही थी कब कश्यप कमरे में दाखिल हुई और क्या क्या जुमले अपनी जबान से अदा किए यासिर को कुछ नहीं मालूम वो उसी वक्त सर पकड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा जब होश में आया तो अपने आप को बेड पर लेटा हुआ पाया सब एक बार फिर उसके गिरद जमा थे फरहत उसके दाए जाने बैठी दुआओं के हाथ बुलंद किए हुए थे सामने महनाज हिना और आसिम खड़े थे खिड़की के पास खड़ा जुनेद किसी से फोन पर बात कर रहा था गालबन किसी डॉक्टर को फोन कर रहा था। ताज सीन के पीछे खड़े थे जबकि कश्यप यासर के बाय जाने बैठी परेशान उसे देख रही थी आप उसका सर अभी भी बुरी तरह से चकरा रहा था सर पकड़ते हुए बैठने की कोशिश की तो फरहत ने फौरन उसे वापस लिटा दिया अभी कोई जरूरत नहीं है उठने की आराम से लेटो मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं एक दिन में ही, ही दूसरा पेश आया खुदा के लिए अब तो फरद बेगम ने रुहासा होकर कहा तो ताज ने बात काट दी कितनी बार कहा है कि फजूल बातें ना किया करो ऐसा कुछ भी नहीं है ताज दीन से जरा तलह लहजे में कहा ये फजूल बातें हैं उन्होंने उंगलियों के पोर से अपने आंसू पूछे खाला किन बातों की बात कर रहे हैं आप और कौन सा दूसरा वाक्य मुझे भी बताएं कश्यप के पूछने पर फरहत ताज ने शुरू से आखिर तक सब कुछ कश्यप को बता दिया ताज सीन ने रोकने की कोशिश की मगर वो खामोश न हो वो गर्दन झटक कर पीछे सोफे पर बैठ गए जबकि कश्यप को तो जैसे अपनी समाज पर यकीन ही ना आया वो गैर यकीनी के साथ फरहत ताज सीन को देखे जा रही थी यासर भी अब उठकर बैठा था उसने अपनी गर्दन झुकाई और होने वाली दोनों वाक्यों के बारे में सोचने लगा यार वो हवेली आम हवेलियों की तरह नहीं है सुना है उस हवेली में एक आत्मा रहती है उस दिन जब वो उस हवेली की दस्तावीजा मुकम्मल करने पास के गांव अपने दोस्त के साथ आया था तो उसके दोस्त साहिद ने उसे उस हवेली के बारे में बताया था आत्मा यार मुझे इन बातों पर यकीन नहीं समझे तुम ये सब मावराई बातें फ़कत किस्से कहानियों तक ही महदूद हैं ये हमारी दुनिया है और यहाँ भूतप्रीत नाम की किसी शय का कोई वजूद नहीं समझे तुम और यार प्लीज़ इस बात का जिक्र मेरी फैमिली से तो बिल्कुल भी मत करना वो तो इस मामले में बड़े हसास हैं उसने जाहिद की बात को मामूली जाना मगर जाहिद भी कहाँ खामोश रहने वाला था उस घर से जुड़ी तमाम कहानियों को जब तक उसकी समाज का हिस्सा न बना दिया उसे चैन न मिला वापसी पर यासर कार ड्राइव कर रहा था और जाहिद उसके साथ बैठे अपने किस्से कहानी सुनाने में मसरूफ़ था न चाहते हुए भी वो उसकी बातों को सुन रहा था तुम्हें यकीन हो या ना हो मगर मैं तो यकीन रखता हूँ ना तुम्हें पता है यासिर वो हवेली हजारों साल पुरानी है सुना है हजारों साल पहले वहाँ कोई राजा महाराजा रहता था सुना है कि वो महाराजा अपने बेटे के साथ अकेला उस महल में रहता था उसका बेटा बड़ा ही खूबसूरत और जाजबे नज़र शहसियत का मालिक था और उसका हुसन हर ढलते सूरत के साथ बढ़ता ही जाता उसी हुसन का असर था कि अभी वो सिर्फ पंद्रह साल का ही था कि उसके लिए दूर दूर से शहजादियों के रिश्ते आना शुरू हो गए थे किसी रियासत की शहजादी ऐसी ना थी जिसके दिल में उस हसीनों जमील शहजादे के लिए जज्बात जन्म ना लेते हों हर लड़की उसकी मनकूखा बनने की ख्वाहिशमंद थी मगर कहते हैं ना हुसन वाले अक्सर मगरूर हुआ करते हैं वो शहजादा भी कुछ इसी तर्ज का निकला तभी तो उसने ना ही किसी लड़की को अपनी मनकूहा के तौर पर पसंद किया और ना ही किसी को नापसंद किया जब भी रिश्ता आता अपने अपने वालिद की मर्ज़ी पर छोड़ देता और अपने वालिद से उसने पहले ही कहा हुआ था कि वो हर रिश्ते को मना कर दे बस ऐसे ही दो साल गुजर गए और फिर वो लड़की उस शहजादे की ज़िंदगी में आई जिसे देखने से उसके दिल के तार भी जुम्बश में आ गए तुम जानते हो उस लड़की का नाम क्या था बस यही वो गलती कर गया था एंड उसी वक्त जब वो उसकी लड़की का नाम बताने जा रहा था यासिर ने उसे टोक दिया हर तब तक वो गर्बी रह गई जाहिर की बातों में आत्मा का जिक्र तो था मगर शहजादे और लड़की से उस रूह का भला क्या ताल्लुक रात को शब हाबी का लिबास पहने वो दीवार का आसरा लिए बाहर की हवा को अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हुए सोच रहा था वो आत्मा शहर बानो वो बड़बड़ाया भला वो इस नाम को कैसे भूल सकता था ऐसे लगता था जैसे वो अपना नाम तो भूल सकता है मगर ये शहर बानो नाम नहीं उसकी जबान पर यह नाम बिना किसी तरद के जारी था उसका लम्स उसके सीने पर अभी भी ताजा था उसने अपनी गर्दन झुकाई और सीने की तरफ देखा तो उस लम्स की हिद्दत अभी भी उसके जिसम में उतर रही थी नहीं ये सब मेरा वहम है उसने खुद ही अपने ख्यालों को झटका तो एक बार फिर पुरफसू आवाज उसकी समाज का हिस्सा बनने लगी ये आपका वहम नहीं है शहीर वो इस आवाज पर बुरी तरह से चौंका था आवाज उसके एन पीछे से बेड की तरफ से आई थी वो दफातन पलटा मगर वहां कोई भी नहीं था उसकी आंखें साकत रह गई एक लम्हे को तो जैसे वो सांस लेना भी भूल गया दरवाजा बंद था मगर आवाज वाजे थी मगर से पिन्हा था। में उसकी पेशानी के पसीने से शराबूर हो गई उसकी अक्ल मफलूज होकर रह गई सूझबूझ की ताकत तो जैसे उसके छीनी जा चुकी थी वो जब तक कई लम्हे बस पेट को ही तकता रहा और शायद सारी रात ही तकता रहता अगर दरवाजे पर दस्तक ना होती अपने ख्यालों को झटकता हुआ आगे बढ़ा और दरवाजा वाकिया किया तो सामने कश्यप खड़ी थी वो उसे वहां देखकर जरा भी हैरत का शिकार ना हुआ वो खुद भी उसी का इंतजार कर रहा था जब दो दिल एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं तो एक का कुर्ब दूसरे वक्त भी महसूस करता है और उसी कुर्ब को कम करने के लिए कश्यप उसके पास आई थी अब कैसी तबीयत है तुम्हारी वो उसके पास आकर बोली अब कुछ बेहतर लग रहा है वो ये कहकर वार्ड की तरफ बढ़ा और खुला हुआ दरवाज़ा जरा लॉक किया एक पल के लिए खामोशी चायी रही क्या ये सब कुछ इस हवेली में आने के बाद से शुरू हुआ है वो सवाल जो कश्यप को बेचैन किए हुए था आहिर जुबान पर आ ही गया क्या मतलब है तुम्हारा तुम भी यही समझती हो कि मुझ पर वो अपना जुमला अधूरा छोड़ गया और उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ लेकिन जो कुछ खाला ने बताया और फिर मेरे सामने तुम्हारा यूं अचानक बेहोश हो जाना इससे ऊपर मैं क्या मतलब लूँ कश्यप की बेचैनी अपनी जगह ठीक थी मगर यासिर को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आया उसने अपने तेवर बदलते हुए चेहरा फेर लिया देखो यासिर मुझे तुम्हारी परवाह है इसलिए मैं कह रही हूं कि सिर्फ एक बार इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती यासिर ने गुस्से से कहा "तुम इन बातों को छोड़ो हम यहां इन बातों को जगह देने नहीं आए हम तो यहाँ अपनी शादी को एक मुनफ्रीद तरीके से सेलिब्रेट करने आए हैं उसने दफतन मौजू बदला उसके चेहरे का रंग रफ्ता रफ्ता बहाल होना शुरू हो गया यासिर कश्यप ने मुंह बनाकर कहा मगर यासिर ने एक बार भी बात काटी मैंने कहा ना छोड़ो इस बातों को तुम ये देखो मैंने अपने कमरे को सजाने के लिए किस गुलाब का इंतब किया है वो फौरन एक गुलदान की तरफ बढ़ा जो स्टडी टेबल के किनारे पर रखा था उसमें एक गुलाब की एक नन्ही सी खूबसूरत सी कली थी उसने मुस्कुराहट को लबू पर बखेरते हुए उस टहनी को गुलदान से निकाल कर नरमी से भोसा दिया तो एक दिलफरेब खुशबू नथरू से होते हुए उसके जिसम में उतर गई वह अब दोबारा कश्यप की तरफ पलटा था ये देखो मैंने इस गुलाब का ऑर्डर किया है और ख़ास तौर पर कहा कि हमारा कमरा इसी गुलाब से सजना चाहिए पूरे कमरे में इसी गुलाब की बीनी बनी खुशबू होने चाहिए यासर की बात पर वो ज़रा सी शर्मा गई थी उसके रुखसार पर भी गुलाब की पंखड़ियों की तरह सुरही जा गई जरा तुम भी सौंक देखो अच्छी है ना इस गुलाब की खुशबू उसने वो नन्नी कली कश्यप की तरफ़ बढ़ाई कश्यप ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि एक ज़बरदस्त झोंका आया उस कली को अपने साथ ले गया दोनों उस नन्नी कली को हवा के परों में सवार देखते रह गए वो गुलाब अब दोबारा उसी गुलदान में था जहाँ से यासिर ने उसे निकाला था दोनों की सांसें एक पल के लिए साकित हो गई खास वाहता दोनों एक दूसरे को देखते रहे खास हाँ जो गुलाब को पेश कर रहे थे और जो खास हाँ नन्नी कली को थामना चाहते थे हवा में मुआलक रहे यासिर कश्यप की जुबान लड़खड़ाई उसे जैसे अब होश आने लगा था तुम फिक्र ना करो यासिर ने एक बार फिर उस बात को हल्का जाना आगे बढ़कर दोबारा उस टहनी को निकाल कर लाया और कश्यप के सामने पेश किया कश्यप ने कपकपाते हाथों से उस नन्ही कली को थामना चाहा अभी उसने उस नन्ही कली से उंगली मस की थी कि एक तेज धार तलवार की तरह कांटा उसकी उंगली में छिबा वो दर्द से कराह साथ ही एक दिलहराश आवाज़ भी उसकी समाज से टकराई मेरे शहीर से दूर रहो ये आवाज यासिर न सुन सका था मगर कश्यप के दिल में एक खौफ बैठ चुका था यासिर ने गुलाब को बेड पर रखा और उसकी उंगली को खातु में थामे खून को साफ करने लगा ये खून कैसे निकल गया तुम्हारा हालांकि इस गुलाब में तो कोई कांटा था ही नहीं मैंने खुद सारे कांटे साफ किए थे यासिर के जुमले पर उसने उस गुलाब की कली पर दोबारा निगाह डुराई तो वहां कांटू का एक जाल नजर आया जिसे देखकर वो बर्जिस्ता पीछे उछल पड़ी वो वो कांटे उसने इशारा करते हुए हकलाते हुए कहा तभी यासिर ने भी उस, उसकी तरफ देखा वो कश्यप की बात पर हादसा हैरान था कहाँ है कांटे यहां तो कोई कांटा नहीं वो हैरानों परेशान कभी कशफ की तरफ देखता तो कभी गुलाब की तरफ यासिर की नजरें उन कांटों को नहीं देख सकती थी उसकी निगाहों में एक खूबसूरत मुलायम गुलाब की पंखड़िया बिना कांटे के एक कली थी यासिर देखो वो रहे कांटे यकदम वो कांटे बाहर को निकलते चले गए जिसे देखकर कश्यप की सांसें अटक गई उसने सांस लेना चाहा तो दम घुटने लगे वो अगला सांस भी नहीं ले पा रही थी यासिर ने इस तराबी में उसकी तरफ देखा और फिर टहनी उठाने लगा नहीं यासिर उसे मत उठाना वो वो कांटे तुम्हें चिप जाएंगे उसने रोकते हुए उसे छूना चाहा तो एक हवा का जबरदस्त झोंका आया के जिस्म को हुए उसकी आत्मा में समा गया उसका सर झुकसा गया उसने फूल की तरफ देखा तो तमाम कांटे गायब हो गए यासिर उसने आस्था से उसे पुकारा उस उसने अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहा तभी वो पलटा तो वैश्यत के मारे पीछे जमीन पर जा गिरे वो यासिर नहीं था बड़ी बड़ी स्याह आंखें जिसमें सालों की खुशकी और वैश्यत शामिल थी अचानक उसे घूर रही थी हमारे शहीर को छूने का हक किसी को नहीं है सुना तुमने किसी को भी नहीं अल्फाज यासिर के लपू से निकल रहे थे मगर आवाज़ की गराहट और वहशियत इतनी खौफनाक थी कि उसने अपने आंखों कानों पर हाथ रख दिए आइंदा हमारे शरीर को छोड़ने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा गला फाड़ कर आवाज़ उसकी समाज से टकराई थी जिसकी ताप न लाते हुए उस पर गशी तारी हो गई उसके बेहोश होने की देर थी कि एकदम दोबारा हवा का झोंका आया और यासिर का जिसम झूलता हुआ पेहिसो हरकत हो गया उसने पलट कर पीछे देखा तो कश्यप नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी कश्यप वो दौड़कर उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर बेड पर लटाया उसे यूं अचानक बेहोश देकर बुरी तरह से डर चुका था उसके रुखसार को थपथपाते तप हुए उसे होश में लाने की कोशिश की इतने में तमाम घरवाले भी वहां जमा हो चुके थे जब कशिश को यूं बेहोश देकर बुरी तरह चौंके एक ही दिन में इतने पुरसरार वाकत फरहत ताज का शक गहरा होता चला गया रजिया बेगम भी अपनी बेटी के सराहने बैठे उसके होश में आने की मुंतजर थी जब ताज दिन ने जवाब चाहा तो यासिर कुछ ना छुपा सका एक एक करके हकीकत बताता चला गया शायद वो भी सवेली से खौफजदा हो चुका था तभी यहाँ मौजूद आत्मा के बारे में भी छुपा ना सका यह सुनकर ताज तीन के चेहरे पर गुस्से के तासुर नमूदार हुए इससे पहले कि वो यासिर को डांटते असिम गोया हुआ और अपने साथ पेश आए वाक को भी सबके सामने रख दिया ऐसे में भला हया क्यों खामोश रहती उसने भी खून से लिखे पैगाम के बारे में अपनी जबान खोली नरगिस ने आगे बढ़कर दोनों बच्चों को अपने हिसार में लिया इतना कुछ हो गया मेरे बच्चों के साथ और तुम दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया वो अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी फरहत की परेशानी पर पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो गया तभी कश्यप को होश आया सब एक बार फिर उसकी तरफ मुतवजे हुए खुदा का शुक्र है कि तुम्हें होश आया यास ने आगे बढ़ना चाहा तो कश्यप एक झटके से पीछे हटी सब कश्यप की इस हरकत पर बुरी तरह से से थे वो वो यासिर अपने आप को ऐसे बचा रही थी जैसे वो अभी उसे काट खाएगा सब परेशान उसे देखने लगे उसके चेहरे से पसीने की बूंदे टिप टिप गिरती जा रही थी रजिया बेगम ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और उसे जरा हौसला दिया सब यासिर की तरफ इस्तफाम निगाहों से देख रहे थे ऐसे क्या देख रहे हैं आप सब मैंने कुछ भी नहीं किया मेरा यकीन करें चिपती निगाहों का मकसद क्या था वो फ़ौरन समझ गया फ़ौरन अपनी बेगुनाही साबित करना चाहिए तो कश्यप ने भी अपने रब खिलाए और जो कुछ हुआ था साफ साफ बता दिया ये सुनकर फरहत के आंसू की माला टिप टिप बहती चली गई मैं ना कहती थी कुछ तो गड़बड़ जरूर है हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए चले इस पुर इस हवेली से अभी चले मुझे नहीं रुकना यहाँ फरहत ने यासिर का हाथ पकड़कर बाहर जाना चाहा, लेकिन ताज दीन ने फरहत को रोका रुको फरहत यह वक़्त जोश से नहीं खो से काम लेने का है रात बड़ी हो चुकी है बला इतनी रात में हम कैसे जाएंगे मेरी बात मानो सुबह होते ही वापस चलते हैं फरहत ने ना चाहते हुए भी असबात में सर हिलाया सबके चेहरे पर एक व्यक्सित का सा समा था नरगिस अपने दोनों बच्चों को अपने आगोश में लिए बैठके पहलू में खड़ी थी उनके दाएं बाएं महनाज और जुनेद थे दरवाजे के साथ ही यासिर फरहत और ताज हरासा खड़े थे जबकि कशिफ अपनी माँ के सीने लगी बेड पर बैठी थी पूरी फैमिली के दिल में जैसे एक डर बैठ चुका था रात को जैसे तैसे गुजारने का फैसला किया गया सब अपने अपने कमरे में चले गए एक बार फिर जासिर उस कमरे में अकेला था चांद की रोशनी ब्राह रास्त खिड़की के रास्ते उसके कमरे में दाखिल हो रही थी वो उसी चांद को देखते हुए सोने की कोशिश कर रहा था मगर नींद थी कि उससे हफा हो चुकी थी नीली नीली रोशनी पूरे कमरे में जैसे अपना तासुर बिखेरती जा रही थी मगर वो इससे ला इल्म था। दाई जानेब करवट लिए वो एक लामहदूद सोच में डूबा था तभी उसे पायल के छनकने की आवाज आई वो हरासा उठ बैठा उसकी सांसें उस वक्त साकत हो गई जब उसने पूरे कमरे को नीली रोशनी में नहाया हुआ देखा हर तरफ चांदनी फैल चुकी थी ऐसे लग रहा था जैसे कमरे की छत में एक बड़ा सा छगाव हो और चांद बराह रास अपनी तजलियां कमरे में बखेर रहा हो उसने छत पर निगाह दौड़ाई मगर वहां कोई शगाफ न था उसने खिड़की की तरफ देखा तो वहां भी एक महसूस रास्ता था जिससे एक खद कमरे में रोशनी की जा सकती थी मगर यहाँ तो पूरे का पूरा कमरा नीली रोशनी में नहा चुका था उसने एक झटके से अपना लहाव फेंका तो खुशबू का एक मरगुला उसके जिसम से फिजा में दाखिल हुआ उसने अपने ऊपर निगाह दौड़ाई तो उसे दूसरा धचका लगा उसका शब खॉबी का लिबास तब्दील हो चुका था उसे अच्छी तरह याद था कि उसके शब खबी के लिबास का रंग सफ़ेद था मगर अब यह रंग तब्दील हो चुका था वो एक सुनहरे रंग के लिबास में मलबूस था जिसकी दारें हालस्तन सोने के धागों से बनी महसूस हो रही थी उसकी चमक किसी हीरे से कम नहीं थी हल्का हल्का नीला रंग भी इस लिबास पर गालिब था और कुर्ते पजामे की बजाय वो एक गाउन में था एक खूबसूरत हसीन और जमील गाउन जो अमूमन अरूसी रात के लिए इस्तेमाल किया जाता था मतहोश खुशबू उसके नथरों में दाखिल होकर अपने शहर में जकड़ने की कोशिश कर रही थी मगर वो उसके शहर से आज़ाद रहा उसके गाउन की डोरियां भी किसी रेशम से कम नहीं थी उसने उन डोरियों को छुआ तो नरमी का एक, एक एहसास उसके जिसमें सरायत कर दिया उसने गाउन के गिरा को देखा तो इतनी निफासत से गिरा बांधी गई थी कि बांधने वाले ने इस बात का भी ख्याल रखा कि ना पहनने वाले को दर्द हो और न इतनी डीली कि खुद ब खुद खुल जाए वो खैरत के समंदर में गोते खा रहा था उसने अपने पाओ बेड से नीचे रखे तो एक नरम मुलायम शहर से उसके पाओं मस हुए उसने नीचे देखा तो उसके जूते तक तब्दील हो चुके थे चमड़े के जूतों की जगह नरमो मुलायम बालों के स्याख रंग का एक सीधा सा चमड़ा खड़ा था जिसके ऊपर पाव रखते ही वो चमड़ा खुद ब खुद उसके पाओ पर फैलता चला गया उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो चमड़े का टुकड़ा एक हसीनो जमील जूते में तब्दील हो गया था उसकी सांसें तो जैसे अब चलना ही भूल चुकी थी पसीने की बूंदें टिप टिप नीचे गिरती जा रही थी उसने नफी में गर्दन हिलाई और बाहरी की तरफ जाना चाहा मगर जैसे ही उसने लॉक दरवाजे को खोलना चाहा तो एक दिलफरेब आवाज ने उसे पलटने पर मजबूर कर दिया कहा जा रहे हैं आप शहीर आवाज इतनी बारीक और दिल नशीन थी कि यासिर पलटकर पलट कर देखने पर मजबूर हो गया उसने धीरे से अपनी गर्दम को हम देते हुए पीछे देखा तो वहां खिड़की के पास एक अक्स को पाया ये उसके लिए तीसरा धचका था उस बंद कमरे में भला कोई कैसे दाहिल हो सकता है कमरे में दाहली का वाहि जरिया यह दरवाजा था और दरवाजा अंदर से लॉक था ये कोई छलावा नहीं था उसने अपनी आंखों को मसलते हुए बगूर देखा शायद वो एक वहम हो मगर वो ना तो वहम था और ना ही कोई खाब था वो जागती आंखों से उसे देख रहा था लब तो जैसे खुद ब खुद शल हो गए कुछ कहने के काबिल ही ना रहे अब वहां क्यों खड़े हैं शहीर आगे आए हमारे पास आए ये कहते हुए उसने अपनी बाहू को जरा खोला तो उसे बढ़ रहे थे हरकत दे रहा हो उसने पाओ को मुंजमिन करना चाहा, मगर वो ना रुके उसकी तरफ बढ़ते चले गए बेड के पास पहुंचते ही उसने मजबूती से बेड को पकड़ा तो कुछ सुकून मिला उसका सांस बुरी तरह से उलझा हुआ था आंखे

जब यासिर आगे ना बढ़ा तो वो अक्स उसके जरा करीब होना शुरू हुआ तो एक बार फिर वही पायल की चंचलाहट यासिर की समाज से जा टुकराई उसी की आवाज से तो वो उठा था उसकी आंखें झुकती चली गई पहले उसके पाओं जरा वाजे हुए जो एक लाल रंग के जोड़े से ढके हुए थे उसके बाद नजर उठती चली गई वो अक्स लाल रंग का हसीनो जमील गरारा जेबतन किए हुए था जो देखने में इतना नफीस था कि आंखें भी अश कर उठी हाथों से मस करें तो रेशम का एहसास भी भूल जाए वो भी उस लिबास के हुसन में मुकम्मल तौर पर खो चुका था अक्सर मजीद करीब हुआ सीने तक का हिस्सा रोशन हुआ वो दोनों हाथों तो को सीने के जरा सामने फैलाए हुए थी जैसे उसे अपनी बाहों में समेटने के लिए बेताब हो मगर वो बचा रहा उसने उन हाथों पर निगाह दोराई तो वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद थे और रुई से ज़्यादा मुलायम नज़र आए एक लम्हे के लिए उसका दिल ललचाया छूने की ख्वाहिश उसके दिल में जागी मगर एक अनजानी सी वशत उसके वजूद पर तारी थी अगर वो उस अक़ से वहशत ना खाता तो एक बार ज़रूर आगे बढ़कर उन हाथों की नाजगी को महसूस करता जो आंखों को इतनी ताजगी बश रहे थे छूने में जाने क्या क्या मर ढाते वो अक्सर मजीद करीब हो तो लबू की हल्की सी झलक नजर आई वही नाजकी जो उस गुलाब की पंखड़ी में थी वही रंग उसके लबू से झलक रहा था वो यकटक उन लबू की न, नजाकत को देखता रह गया बारीक से नरम गोदे की तरह उसकी आंखें जैसे उसके लबू से हट ना सके ऐसे लग रहा था जैसे वो अक्स उसको अपने हुसन का गर्विदा बनाने की कोशिश कर रहा था वो अब भी पत्थर की तरह उसी अक्स पर निगाहें टकाई खड़ा था तब वो वजूद पूरे का पूरा उसके सामने आया वो कई तो पलक झपकना भूल गया अपनी झील आंखों से उसके हुसन को अपने दिल की नगरी में उतारता रहा शायद ही उसने आज से पहले इतना हसीन चेहरा देखा होगा बड़ी बड़ी झीलनुमा आंखें बारीक सी खड़ी नाक सफेद रंगत गहरी स्याह जुल्फे जो दोनों शानों से आगे सीने पर फैली हुई थी जुल्फों में ढाते खम चेहरे के दोनों जाने की बारीक लिटे जो उस चांद से चेहरे पर हवा के झोंकू के संग लहरा रही थी पेशानी से जरा पीछे कुछ फासले पर एक लाल रंग का ही खूबसूरत दुबट्टा जिसे पिनू के जरिए जुल्फों में तरतीब दिया गया था वो उस वजूद से नजरें हटाना एकदम भूल चुका था हुसन का रोप इस कदर उस पर हावी था कोई वो ये भी भूल गया कि वो अक्स इंसान नहीं बल्कि वो एक आत्मा का है हुसन का एक रोप उसको अपने हिसार में जकड़ चुका था ऐसे क्या देख रहे हैं शहीर ये वजूद आपका ही है उसने आगे बढ़कर यासिर को छुआ तो जाने कौन कौन से अक्स उसकी आंखों के सामने महवे रक्स होते दिखाई दिए वो चाहकर भी अपने हाथ उसकी ग्रिप से आजाद ना कर सका ये देख रहे हैं आप ये हम हैं शहरबानों और आपकी शहर दो अक्स एक दूसरे को बाहू में लिए यासिर के दिमाग की दुनिया दाहिल हुए एक अनजाना सा मंजर उसकी आंखों के आगे छा गया एक अजीब खुशगवार मंजर लाल रंग की डोरियों में महत्ते गुलाबों के दरमियान दो अजसाम एक दूसरे को बाहू में लिए एक दूसरे में खोए हुए चेहरे मोहम से थे उसने जरा गौर से शनासाई हासिल करना चाही तो सब कुछ वाजे होता चला गया वो दुल्हन के लिबास में एक शहजादी थी जिसे एक खूबरू नौजवान अपनी बाहू में लिए हुए था उस नौजवान ने सर पर एक ताज पहना हुआ था वो चेहरा देखना चाहता था मगर नजर ताज से हट ही ना सकी हसीनो जमील सोने चांदी से बना ताज रंग बिरंगे मोतियों से जगम, जगमगाता यह ताज उसकी नजरों में जैसे नक्श होकर रह गया वो हाबू की दुनिया में इस कदर उलझा हुआ था कि हकीकत में क्या हो रहा है उसे कुछ भी इल नहीं था शहरबानो उसके करीब हुई और खुद उसकी बाहों में समो लिया यासिर ख़ाबू में था या फिर उसके शहर में जकड़ा हुआ उसके हाथ खुद ब खुद शहर बालों की पुश की तरफ उठते चले गए शहर बालों ने अपना रुखसार उसके सीने से मस किया तो एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई अपने हाथ यासर की पुश के गिरदायल कर दिए और खुद को यासिर में समो लिया कुछ सातें इसी तरह बीत गई फिर शहर यासिर के जिसम में उतरती चली गई हाथ अंदर धसते गए खुद उसका वजूद भी यासिर में दाखिल हो गया और वो वजूद एक हो गए शहर बानों की आत्मा जैसे ही यासिर के जिसम में दाखिल हुई तो यासिर की आंखें तारों की तहत चमकने लगी और चेहरे पर मानी खेस मुस्कुराहट उभर आई